यकीन मानिए अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते इस धरती पर तो चंद्रशेखर एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला शिक्षा मंत्री छोड़िए शिक्षक भी नहीं बन पाता। मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद। ये किताब के आवरण पर एक बड़े पुलिस अधिकारी का शकल देखते होंगे और एपी दुरे साहब सड़क छाप लोग नहीं थे, कर्नाटक सरकार के डीजी बनकर रिटायर किए और पशु चारा घोटाला के पुलिस साइड से जो जांच हो रही थी उसके मुख्य जांच अधिकारी के रूप में इनका दर्द है, इनका व्याख्यान है इस किताब में। इस किताब में इन्होंने लिखा है, मूल रूप से जब बताना चाहता हूं कि सीबीआई न्यायालय और फिर षड्यंत्रकारी मीडिया जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, इस सारे लोगों ने षड्यंत्र किया और इससे मजलूमों के नेता को फंसाने का षड्यंत्र किया। लालू यादव का दोष यही था कि लालू यादव पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने इस देश के हजारों साल से सताई जातियों को आवाज दी। वो हर सभा में कहते थे अरे कहां है कलेक्टर एसपी, दौड़ करके कलेक्टर एसपी जाते थे, जहां लालू प्रसाद जी बैठते थे कुर्सी को प्रणाम करते, कुर्सी की तरफ प्रणाम करते थे लालू यादव की तरफ। लालू यादव जी कहते इस मालिक को प्रणाम कर, इस मालिक को प्रणाम कर जिस मालिक के सेवा में हम तुम सब खड़े हो। मैं नहीं समझता हूं देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा जो हजारों मजलूमों बेवसों की भीड़ को किसी आईएएस अधिकारी से प्रणाम करवाता हो। ये प्रपंच का कारण बना, खतरा हुआ षड्यंत्रकारियों को तो इस चारा घोटाला को लाया गया। अमीबा से आदमी बना, आदमी बनने अमीबा से आदमी बनने तक में करोड़ों वर्ष का इतिहास है। इसमें न तो कहीं पंडित जी है, न राजपूत भाई है, न लाला जी है, न ग्वाला जी है, न कोई है, न रायदास जी है, न राम जी है, न पासवान जी है। जातियों के नाम पर बारात रोकी जा रही है इस देश में, जातियों के नाम पर मूछे कटवाई जा रही है, जातियों के नाम पर राष्ट्रपति तक को मंदिर में घुसने से वंचित किया जाता है, जातियों के नाम पर संचिकाएं सचिवालय में गतिमान होती है और रुकती है। दुनिया के 185-90 देश में इन जातियों का नाम तक कोई नहीं जानते। इसका मतलब अगर प्रभु परमात्मा खुदा ईश्वर इस जाति का बीज लगाते तो चीन में भी लगाते, ऑस्ट्रेलिया में भी लगाते, अमेरिका में भी लगाते, लंदन में भी लगाते। जाति के नाम पर शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल हुआ है और जाति के नाम पर रोहित बेमुला जैसे हमारे शानदार साथी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हो, लानत है आपको बाबा साहब के संतान। अब तुम अगर एक मूर्ति गिराओगे हमें भी हजारों मूर्तियों को खंडित करने का अधिकार है। चंद्रशेखर रावण जैसा एक युवक पैदा हुआ है, ये दिखता है कि भविष्य में उसको कोई रोकने वाला है इंसान नहीं पैदा हो। वेद प्रकाश जी को आज फाइन लगेगा। विश्व गुरु भारत कैसे बने हम सब की चिंता यही है और संभवतः और लोगों की चिंता क्या है वो भी इसी नाम पर अपने आप को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वैचारिक भिन्नता है तो ये तो तराजू पर तोलना ही होगा कि हम आखिर किसको बेहतर समझें, क्यों बेहतर समझें। अगर आप इसकी व्याख्या करेंगे तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक ऐसा भारत जो आज भी है जहां जातियों के नाम पर असमानता है, जातियों के नाम पर ऊंच नीच का भाव है, जातियों के नाम पर संचिकाएं
सचिवालय में गतिमान होती है और रुकती है। मैं अनुभव की अनुभव साझा कर रहा हूं, तो मेरा मतलब है कि बाबा साहब ने क्या सपना देखा और कैसा भारतवर्ष बनाने की कल्पना की। मैं आपके पीछे एक सवाल छोड़ता हूं, सामने आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके परिवार में 10 आदमी है और 8 आदमी बीमार है, तो आपके परिवार को बीमार लोगों का परिवार कहा जाएगा कि स्वस्थ लोगों का परिवार कहा जाएगा? आप बताओ, सामने बैठे लोगों बीमार आदमी का परिवार कहा जाएगा कि स्वस्थ आदमी बीमार आदमी? इस देश की जनसंख्या पता नहीं 130 करोड़ हो या 140 करोड़ हो, लेकिन इस देश की जनसंख्या का आज भी लगभग 90% के आसपास लोग जातियों के कारण अपमानित हैं और आज भी अपने अस्तित्व का सम्मान का संघर्ष कर रहे हैं। जातियों के नाम पर बारात रोकी जा रही है इस देश में, जातियों के नाम पर मूछें कटवाई जा रही है, जातियों के नाम पर लिंचिंग हो रही है, जातियों के नाम पर मजबूत जातियों के बस्ती से बारात रोकी जा रही है, जातियों के नाम पर घोड़ी से उतारी जा रही है, जातियों के नाम पर राष्ट्रपति तक को मंदिर में घुसने से वंचित किया जाता है, जातियों के नाम पर राज्य के मुखिया तत्कालीन मुखिया जीतन बाबू मांझी को मुख्यमंत्री थे तो रोक तो लोग नहीं पाया, सरकार थी रसूख था, लेकिन मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करके लौटे तो जातियों के नाम पर दुर्गा मंदिर को अपवित्र कर अपवित्र समझ करके गंगा जल से धोया गया। मैं उम्मीद करता हूं जो सामने बैठे लोग हैं लगभग सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, जरा हाथ उठाइए नहीं जानने वाले। चलिए धन्यवाद, आप सभी लोग जानते हैं। आज से कोई 40-45 वर्ष पहले संभवतः 1978 ईस्वी में इस देश के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम जी बनारस के किसी चौराहे पर डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए थे। उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे और मूर्ति का अनावरण करके गए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबू जगजीवन राम, किन्हीं से नाम छुपा हुआ नहीं है। और जब लौट कर गए तो पाषाणकारियों ने पाखंडियों ने गंगा जल से धोया। आज से 3000 साल पहले महाभारत काल में जाति के नाम पर एक क्लब का अंगूठा काटा गया, जाति के नाम पर कर्ण से कवच कुंडल लिया गया, जाति के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए भी गालियां, उस पद पर रहते हुए गालियां सुने हैं सड़कों पर, और उससे संघर्ष उसी समय में हम लोग भी कर रहे थे जो गाली देने वाले थे। जाति के नाम पर शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल हुआ है और जाति के नाम पर रोहित बेमुला जैसे हमारे शानदार साथी देश का भविष्य बनता आत्महत्या कबूल करता। आखिर इस रथ को रोकेगा कौन? बाबा साहब अंबेडकर के संतानों, महात्मा फूले पेरियार के संतानों,
जब न्याय का पक्ष कमजोर होता है तो किसी न किसी को खड़ा होना पड़ता, और जब न्याय का पक्ष इस कदर आ जाए कि मजलूमों के लिए, बेवसों के लिए संघर्ष करने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी अपराधी नहीं थे, मगर सरेआम यथास्थितिवादियों ने, रूढ़िवादियों ने उनको गोली मार दी। हमें तो आखिर अपने पुरखों के बलिदान को याद करना ही होगा, इसलिए मैंने कई मंच पर यह बात कहा और आज भी आपके मंच पर कहना चाहता हूं। शैतानों को, पाखंडियों को, नफरतवादियों को, जवाना कल का था जब तुमने एकलव का अंगूठा मांग लिया, अब एकलव का संतान अंगूठा नहीं देगा, जवाब देगा। जाति के नाम पर शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल हुआ, अब शहीद जगदेव प्रसाद का संतान कत्ल नहीं होगा, जवाब देगा। आपके सामने आपके पुरखों का इतिहास है, आप समझिए आज के तारीख में जब बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग याद कर रहे हैं, हमें इस बात को बेहतर ढंग से समझना होगा कि जब आज भी मंदिरों में जाने से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को रोका जाता है, मंदिरें धोई जाती है, तो बाबा साहब अंबेडकर को कितनी कठिनाई हुई होगी। आज के दिन में जातीय तांडव इस कदर हो रहा हो, जब ही देश के संसद मार्ग पर बाबा साहब की, इस देश के मजलूमों और बेबसों का ही नहीं, सबके समानता का, समाजवाद का, गणतंत्र का, प्रजातंत्र का, समता का सबसे बेहतरीन संविधान, उसको रौंदा और जलाया जाता है, एक कार्रवाई नहीं होती। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह इतिहास बना नहीं सकता, इसलिए अपने पुरखों के अपमान से सीखना है और हम अपने अपना रास्ता हमें खुद बनाना है। और जब आप रास्ता बनाने निकलेंगे, आपके संकल्प मजबूत होंगे, तो कोई मायका लाल आपका रास्ता अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। आपको कहना चाहता हूं आज के तारीख में आप देख रहे होंगे प्रोफेसर साहब का व्याख्यान सुन रहे थे, मैं इस बात को मानता हूं ईश्वर अगर कहीं है, परमात्मा प्रभु मालिक खुदा अगर कहीं है तो उन्होंने जातियां नहीं बनाई। अगर ईश्वर खुदा परमात्मा प्रभु मालिक जातियां बनाए होते तो 6743 जातियों का जो भारत सरकार के गजट में है, उसका न छो छुओ, उसका न खाओ, उसका न पियो, उसके साथ न रहो, उसके साथ न उठो, उसके साथ न बैठो, 6743 जातियां जो भारत सरकार के गजट में है, ये राजपूत भाई हैं, ये ब्राह्मण भाई हैं, ये लाला भाई हैं, ये यादव साहब हैं, ये शर्मा जी हैं, ये पासवान भाई हैं, ये रैदास भाई हैं, ये रजक भाई हैं। अगर ये जातियों की बीज कहीं प्रकृति, ईश्वर खुदा परमात्मा प्रभु लगाए होते तो दुनिया के तमाम देशों में लगा होता। जहां हिंदू लोग हैं ज्यादा, वो हिंदुस्तान, भारत, नेपाल, हो सकता है नेपाल से अलग होने वाला नेपाल, हो सकता है अखंड भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान, हो सकता है अखंड भारत से अलग होने वाला बांग्लादेश, बिहार के लोग बस गए जाकर के फिजी मॉरिशस में, हो सकता है यहां से जातियां ढोकर ले गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत और नेपाल को तो देख रहा हूं। ये दुनिया में 195 देश है जिसको मान्यता प्राप्त है, और उस 195 देश में यही चार पांच देश ऐसा है
जहां इन जातियों का नाम है, ये फलाना जाति चिलाना जाति जो मैंने कहा अभी, दुनिया के 185-90 देश में इन जातियों का नाम तक कोई नहीं जानते। इसका मतलब अगर प्रभु परमात्मा खुदा ईश्वर इस जाति का बीज लगाते तो चीन में भी लगाते, ऑस्ट्रेलिया में भी लगाते, अमेरिका में भी लगाते, लंदन में भी लगाते, मगर जातियों का बीज भारत का मैं और नेपाल जैसे सरीखे देशों में लगा के भाग गए। इसका मतलब निश्चित रूप से यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये हमारे पुरखों की गलती से बनी है और उस गलती को ढोना नहीं चाहिए। यही मैं आपके बीच में कहने आया हूं। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 76 में इंटर में एडमिशन लिया और 77 में, 76 में तो कम दिन क्लास किए, 2-4 महीना 5 महीना किए होंगे तो 77 आ गया। हमारे क्लास में जूलॉजी पढ़ाते थे एक दास साहब, फिलिप्स रेडियो वाले, और वो दास साहब पढ़ाते थे जूलॉजी पढ़ाते थे, जूलॉजी जीव विज्ञान का ही मैं छात्र रहा, उसी का प्रोफेसर हूं। उन्होंने 4-5 क्लास में ये बता दिया कि हिंदुस्तान में या हिंदू देश में जो जातियों का ये क्लस्टर है, ये हमारे देश के लिए अभिशाप है, यहाँ जाति से बात शुरू होती है और जाति पर खत्म हो जाता है, और इसे प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा ने नहीं बनाया। और कैसे जातियां बनी है, कैसे जीन बना, तो यहां आपको मालूम होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वाटसन एंड क्रिक, ये सभी लोग मिलकर के लेबोरेटरी में जीन बना दिए, और जीन समुच्च इस प्रकृति से और भी तत्व से मिलकर के अमीबा बनाए, अमीबा से आदमी बना, आदमी बनने, अमीबा से आदमी बनने तक में करोड़ों वर्ष का इतिहास है। इसमें न तो कहीं पंडित जी है, न राजपूत भाई है, न लाला जी है, न ग्वाला जी है, न कोई है, न रायदास जी है, न राम जी है, न पासवान जी है। तो भाई जब नहीं है, आप बंदर की जातियों को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा लाला ग्वाला, आप चिंपांजी में भी जाति खोजेंगे तो मिल नहीं पाएगा। तो हम जो जिस रूप में जाति खड़े हैं, तो ये जातियों का जो नाम है हमारे पुरखों की गलती से आया। मैंने इसका प्रतिकार किया कि भाई ये ठीक बात नहीं है। मेरे अंदर जब ये ज्ञान आया तो उसी दरमियान में एक कम्युनिस्ट CPIM के विधायक होते थे रामदेव वर्मा साहब, विभूतिपुर समस्तीपुर से, ये जगन्नाथ कुटी में रहते थे हम लोग, बगल में आपके बगल में मुसल्लापुर हाट है, और जगन्नाथ कुटी में वो अपने रिश्तेदारों से छात्रों से मिलने आए थे। उन्होंने मेरे हाथ में एक किताब दिया और आधा घंटे का कुछ जानकारी दी। उस किताब का नाम साम्यवाद ही क्यों, जब मैं पढ़ा उन्होंने कुछ बताया तो यकीन मानिए मेरे अंदर से जो दास साहब का जूलॉजी पढ़ाया हुआ था उसको पुख्ता सबूत मिल गया। आप साम्यवाद ही क्यों महापंडित राहुल सांग के त्यान लिखे, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसका पुस्का जो है प्रस्तावना ही शुरू होता है जीवों के क्रम की उत्पत्ति का सिद्धांत, मानव विकासवाद का सिद्धांत। ये बताने का प्रयास किया गया है कि जातियां ईश्वरीय नहीं है, जातियां मैनमेड है। और मन मेरे अंदर से जब जात का भाव खत्म हुआ मित्रों, तो मैं लगभग 45-42 बरस एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो 20-30 बरस से, लेकिन जब मैं छात्र के रूप में गांव जाता था तो अपने गांव घूमते हुए कथित मनुवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य जातियों के बुजुर्गों का पहुंच होता था, तो मुझे लगता था कि शायद ईश्वर ने मुझे पैदा किया तो इसी काम के लिए पैदा किया। और यह काम करते हुए जब मैं कॉलेज में शिक्षक हुआ और तीसरी बार मधेपुरा के महान जनता के आशीर्वाद से इस बार चुनाव लड़ रहा था,
मेरे खिलाफ एक से एक महाबली योद्धा वीर सब थे और उसी संस्कार को लोगों ने लगभग 17,000 वोट से चुनाव जिताया। बड़े बड़े लोग थे, इस मंच से नाम लेना नहीं चाहता, ऐसे लोग भी खड़े थे जिनके लिए रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, न ताकत का कोई वैल्यू नहीं है। मेरे आधार वोट में भी सेंधमारी किया अच्छी तरह, 20-22,000 वोट आधार का चला गया। लेकिन शायद मुझे इस बात की खुशी है कि जिन गरीब बस्ती में मैंने काम किया, मनवाद द्वारा बनाए गए अस्पृश्य मजलूम और बेबस जातियों में, उन लोगों ने लगभग 25,000 उससे ज्यादा वोट दे करके हमको चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए अंदर से जाति का भाव खत्म हो, और जाति अगर सत होती, अगर मैं जाति के खिलाफ काम करता, अगर कहीं ईश्वर खुदा परमात्मा है तो मैं तो चपरासी भी नहीं होता। प्रोफेसर होना और फिर आपके बीच में शिक्षा मंत्री के रूप में होना, तो मैं हृदय से, हृदय के अंतःकरण से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस मंच से देशवासियों, जातियों का बोझ लेके मत चलो। अगर आप हमारे इस समाज के सभी लोग जातियों के नफरत को मिटा के चले, तो कोई कारण नहीं है कि भारत अगर विश्वगुरु था तो पुनः विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं होगा। मगर जातियों का बोझ लेकर के अगर लदोगे तो इस भारत को कोई भी आदमी विश्वगुरु का दर्जा नहीं दिला सकता। जातियों का तांडव देखिए, हमारे पुरखों का अपमान, एकलव का अंगूठा, कर्ण जी का कवचदान या अपमान, आज के तारीख में मेरे हाथ में किताब, मेरे हाथ में किताब, वेद प्रकाश जी को आज फाइन लगेगा। हाँ तो हम मालूम है, चलिए अच्छे काम में है तो हम गुस्सा खत्म कर लिए, मगर मेरे कार्यालय से आपको फोन गया था, हम मालूम है, इसलिए हमको अच्छा लगा। मेरे हाथ में किताब, मैं इसकी बात, इस प्रसंग की चर्चा करके अपनी बात को अंत करूंगा कि जातियों का जाल कितना मजबूत होता है, एक सुरमा को कैसे दबाया जाता है, तो आप समझिए। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर पर 5 मिनट बोलूंगा, चल लूंगा। मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये किताब के आवरण पर एक बड़े पुलिस अधिकारी का शकल देखते होंगे। इस किताब के 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, 230, 231, 232 पेज में, 26वां अध्याय है, द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद, द सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद, और इसके 230, 231, 232 पेज है, 229 भी है। किन्हीं को संदेह हो तो किताब हम दे देंगे, मगर मैं जो कहना चाहता हूं, ये महानुभाव कौन थे? एपी दुराई साहब, षड्यंत्रकारियों ने इस देश के मनवादों द्वारा बनाए गए शूद्रों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, जो कह दीजिए, जब गोलबंद करने का काम शुरू किए, तीन तीन प्रधानमंत्री बनाने में अमूल्य योगदान किए, किंग मेकर कहलाए, तो षड्यंत्रकारियों को यह लगा कि बिहार का यह बेटा कहीं दिल्ली पर कब्जा करा दिया, परमानेंट हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो एक जाल बुना गया। यही इस किताब में लिखा है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। और एपी दुरे साहब सड़क छाप लोग नहीं थे, कर्नाटक सरकार के डीजी बनकर रिटायर किए, और पशु चारा घोटाला के पुलिस साइड से जो जांच हो रही थी उसके मुख्य जांच अधिकारी के रूप में इनका दर्द है, इनका व्याख्यान है इस किताब में। इस किताब में इन्होंने लिखा है, मूल रूप से जब बताना चाहता हूं,
कि सीबीआई न्यायालय और फिर षड्यंत्रकारी मीडिया जिसको हम लोग मनु मीडिया कहते हैं, इस सारे लोगों ने षड्यंत्र किया और इससे मजलूमों के नेता को फंसाने का षड्यंत्र किया। लालू यादव का दोष यही था कि लालू यादव पिछली जाति में पैदा हुए थे और उन्होंने इस देश के हजारों साल से सताई जातियों को आवाज दी, उनको बोलने की ताकत दी, उनको सलाहियत बोलने की दी। पता नहीं दीना भाई रामबली बाबू बच्चा लोग नहीं भी उनके सभा को देखे होंगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसी सभा में जब जाते थे 25,000 की सभा हो, 50,000 की सभा हो, लाख की सभा हो, 10,000 की सभा हो, वो हर सभा में कहते थे अरे कहां है कलेक्टर एसपी, दौड़ करके कलेक्टर एसपी जाते थे। जहां लालू प्रसाद जी बैठते थे कुर्सी को प्रणाम करते, कुर्सी की तरफ प्रणाम करते थे लालू यादव की तरफ, लालू यादव जी कहते इस मालिक को प्रणाम कर, इस मालिक को प्रणाम कर जिस मालिक के सेवा में हम तुम सब खड़े हो। मैं नहीं समझता हूं देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा जो हजारों मजलूमों बेवसों की भीड़ को किसी आईएएस अधिकारी से प्रणाम करवाता हो। ये प्रपंच का कारण बना, खतरा हुआ षड्यंत्रकारियों को तो इस चारा घोटाला को लाया गया और आज दर्जनों बार दर्जनों ठिकाने पर छापेमारी हुई मगर सीबीआई ईडी को गोबर और मिट्टी के सिवा कुछ मिल ना पा रहा है। छोड़िए लालू प्रसाद जी शासन में रहे होंगे, हो सकता है कुछ गलती हुई हो मगर तेजस्वी यादव जी किस शासन में रहे, 14 साल का कोई बच्चा रेल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता हो अगर यह आपको विश्वास होता हो तो यह अनर्थ है। 14 साल की उम्र में उनके ऊपर आरोप है कि वो रेल का कॉन्ट्रैक्ट डील करते थे, कोई सबूत ना मिल रहा है मगर देख लिया षड्यंत्रकारी कि ये इस बच्चे में लालू के इस संतान में भविष्य का ताना बनना बुनने का एक एक सलाहियत है तो उनके जीवन को खत्म करने की साजिश हो रही है। रोज सीबीआई भी बुला रहा है तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं अब जमाना बदला है। बाबा साहब अंबेडकर के सपूतों याद रखना, अगर आप संगठित ना रहे तो ये जो षड्यंत्रकारी है आपको छद हिंदूवाद में फंसाकर, झूठा हिंदूवाद में फंसाकर, छद राष्ट्रवाद के चक्कर में डाल करके आप ही से आपका वोट लूट करके फिर आप ही पर शासन करेगा और आपको मंदिर और मस्जिद में जाने से रोकेगा, आपको घोड़ियां चढ़ने से रोकेगा, आपको मंदिर जाने से रोकेगा, आपको ऐसा समाज बनाना कि आपको सबके लिए समता का जो बाबा साहब की कल्पना है, समता मूलक समाजवादी गणतांत्रिक देश बनाने का, शांतिपूर्ण देश बनाने का, मोहब्बत वाले देश बनाने का। ये प्रपंच चल रहा है, दो महारथियों का मिलन हुआ, एक आशा की किरण जगी। दिल्ली में एक बैठक हुई है उसी में चिंता शुरू हो गई। अभी मैं पार्टी कार्यालय में गया वेद प्रकाश भाई तो सब लोग इसी के लिए सवाल हमारे ऊपर कर रहे थे तो मैंने कहा कि भाई दो महारथी बिहार में महागठबंधन बनाए तो नफरतवादियों का चिंता नफरतवादियों के बीच चिंता शुरू हो गई और इस बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश बाबू महज एक बैठक दिल्ली में किए तो ये नफरतवादियों के पांव की जमीन खिसकती नजर आ रही है। कहीं और बैठक दे और बैठक होगा तो क्या क्या होगा समझ लीजिए, समय आ रहा है। मुझे पक्का विश्वास है अंबेडकर छात्रावास के महान पुरखों के महान संतानों याद रखना,
ये बिहार का पावर सेंटर है अम्बेडकर छात्रावास। यहां से कम से कम आप इस ऑडियंस में लगभग 400-500 छात्र हैं जो बैठे अगल बगल में। यहां से ये संवाद 400-500 जगह जाएगा तो नफरत भागेगा, भारत में मोहब्बत कायम होगा, बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा। अब आप बताइए, एक ऐसा सुरमा सामने आपने माल्यार्पण किया है, अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा जातियों का गुच्छा बनाए होते तो मनवार द्वारा अछूत वंश में पैदा होने वाला बाबा साहब अंबेडकर इस भारत भूमि का गौरव, इस सदी का, इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, किसी मजबूत जाति के लोगों को नहीं मिला यह अवसर। आप समझ लेना, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं उतरूंगा, आप गूगल निकाल करके खोजिएगा सिंबल ऑफ नॉलेज, अकेला इस सुरमा का नाम आएगा, कोई दूसरा नाम नहीं आता। भारत भूमि का प्रथम छात्र जो कोलंबिया, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर ज्ञान का परचम लहराते हैं, कोई कथित ऊंची जाति के लोग उसमें नहीं है प्रथम बनने में। इस भारत भूमि के प्रथम छात्र जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर के अर्थशास्त्र का ज्ञान का परचम लहराते हैं, और आज नफरतवादियों द्वारा संचालित सरकार में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हो, लानत है आपको बाबा साहब के संतान। अमेरिका के कोलंबिया में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, मगर भारत भूमि पर है शैतान सुनना, बाबा साहब अंबेडकर के संतान अब कमर कस चुके हैं, संकल्प मजबूत है, अब तुम अगर एक मूर्ति गिराओगे हमें भी हजारों मूर्तियों को खंडित करने का अधिकार है। अद्भुत है। और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा सूरमा किसी दूसरे मनवा द्वारा बनाए गए कथित मजबूत जाति में तो पैदा नहीं हुआ। इसलिए परमात्मा प्रभु ईश्वर खुदा किसी जाति का दास नहीं है, वो अगर दास है तो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का दास है और आपके मोहब्बत और एहतराम का दास है। इसलिए मैं आपके मन से इस राज्यवासियों को, देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप मजबूती से खड़े रहिएगा। इस देश में चंद्रशेखर रावण जैसा एक युवक पैदा हुआ है, ये दिखता है कि भविष्य में उसको कोई रोकने वाला है इंसान नहीं पैदा हो। एक मजबूत संकल्प है, शेर की तरह धार है बाबा साहब अंबेडकर का के प्रति जो निष्ठा और ज्ञान है। आप समझिए, आज के तारीख में आपको कह देंगे अमेरिका जाइए, हवाई जहाज से तो आपका करेजा डोल जाएगा, मगर अंबेडकर साहब इतने ज्यादा भाई बहन 14 भाई बहन में से एक संतान, समझिए हम लोग को दौर पारने लगता, कैसे माता पिता ने संस्कार दिया होगा, कैसी अद्भुत विलक्षण क्षमता रही होगी इस महान पुरखा का। उस समय तो हवाई जहाज भी नहीं चलता था, अपनी पढ़ाई को, अपने मजलूम बेबस इंसानों को मुक्ति दिलाने के लिए महीनों गए होंगे पनिया जहाज से, तब पहुंचे होंगे अमेरिका। आज 15 घंटा में जाना रहता है, हम लोग हमारे जैसे शिक्षा मंत्री को कह देगा तो लगेगा कि दूर कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हो सकता है ना जा सके, मगर आप बताइए कितना मजबूत संकल्प होगा कि महीनों लगा होगा पनिया जहाज में, फिर माता पिता से दूर एक बच्चा अपने संकल्प को पूरा किया, इस देश में आए, स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए, तो मालूम है कथित ऊंची जाति के लोग इनको फाइल छुआ के नहीं देते थे, सरका के देते थे, कैसा महसूस करते होंगे, लेकिन वो डिगे नहीं, वो महान पुरखा जो सामने खड़े हैं वो डिगे नहीं, इसीलिए अपने संकल्प को पूरा किए।
यकीन मानिए अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते इस धरती पर तो चंद्रशेखर एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला शिक्षा मंत्री छोड़िए शिक्षक भी नहीं बन पाता। इसलिए जिस सुरमा को हम लोग याद करने आ जाए हैं ऐतिहासिक दिवस पर, मैं आप सभी लोगों का साधुवाद करते हुए इस राज्यवासी और देशवासी को ये कहते हुए कि देश अगर बनेगा तो मोहब्बत से बनेगा, देश नफरत से बनने वाला नहीं है। इसलिए नफरत भगाना है, मोहब्बत लाना है, और मोहब्बत से ही इंकलाब आएगा। जय भीम, जय भारत।